नमस्कार, कैसे हैं आप सब? पूरा एक तरह से भय का माहौल बनाया गया हुआ है देश भर में, और इस भय के माहौल में कोरोना का डर बनाया जा रहा है। लेकिन उस डर के बीच देश की जनता को एक और चीज अपने घर में दिख रहा है, दिल्ली का मुख्यमंत्री। हर 2-3 मिनट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री, और ऐसा दिखाया जा रहा है मानो दिल्ली में सब कुछ बेहतर हो रहा है और एक व्यक्ति है जो पूरे देश भर में सबसे बेहतरीन काम कर रहा है। क्या टेलीविजन चैनलों की बेबसी होती है, ये लाचारगी होती है कि जो ऐड देगा सिर्फ उसी को दिखाया जाएगा, या फिर इससे पहले कभी संपादकों ने कई बड़े कदम उठाए हैं? क्या अर्नब गोस्वामी जैसे संपादकों से भी हम कोई उम्मीद ऐसी कर सकते हैं? हमारे साथ होंगे सतीश चंद्र मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रभाष जोशी जैसे लोगों के साथ कई अनुभव हैं उनके, हम वो साझा करेंगे। और उन्हें वो सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हैं, हम सीधे उन्हें जुड़ते हैं और उसके बाद तमाम चीजों पर चर्चा करते हैं। नमस्कार मनीष नमस्कार जी। सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर, आपके एक अपने पत्रकारिता के अनुभव के आधार पे, और दूसरी बात, आप अपने फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को नित नए चीज बता रहे हैं, उनसे हम जैसे लोगों को, आम पाठकों को, ये समझ में आता है कि कैसे केजरीवाल जैसे लोग सिर्फ प्रचार तंत्र के सिस्टम पर दिल्ली की जनता को तबाही दे करके खुद एक शेर बने हुए हैं। और सबसे जो कमाल का काम उन्होंने किया कि एक विक्टिम कार्ड खेल दिया, खुद को प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, और उसके बाद रोना रोया कि दिल्ली की जनता को बचा दीजिए। दिल्ली का जनता का वो जो उन्होंने बदहाली की, पिछले बार भी उन्होंने ठेल करके गाजियाबाद और नोएडा में भेज दिया बिहार यूपी की जनता को, या फिर देश के जो बाहर के लोग जो आए हुए, अब की बार भी उन्होंने यही खेल खेला। आज गोल्डन, जयपुर गोल्डन अस्पताल का मामला आया। एक आपने बहुत रोचक तथ्य जो आज फेसबुक पे लिखा है, प्रभाष जोशी और आलोक तोमर जी के बारे में, उसने मेरे जैसे पत्रकारों के भी आंख खोले हैं। और आपका अनुभव मुझसे पुराना है, आप मतलब, चूंकि आलोक तोमर जी को तो व्यक्तिगत रूप से ही, प्रभाष जोशी को भी जानता रहा हूं, आलोक जी के साथ कुछ वक्त बिताया हुआ है, बहुत कम उम्र में काल के गाल में समा गए आलोक जी। एक रोचक कहानी आप पहले सुनाएंगे सर, जो मैंने फेसबुक पे पढ़ी है आपके पोस्ट पे, मुझे लगता है कि उससे एक उम्मीद खुलेगी। ये बात मैं सर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बड़े पैमाने पे अर्नब गोस्वामी के फैन हैं। मैं खुद भी अर्नब गोस्वामी के पत्रकारिता का कायल रहा हूं, और ये मानता रहा अर्नब ने एक बहुत बड़ा चेंज किया है। लेकिन लोगों को हताशा है कि अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार भी आज की तारीख में केजरीवाल के जो प्रवक्ता है उसके सामने में अपनी आवाज, उनकी वो मुखर नहीं हो पाती, उस ढंग से वो हमलावर नहीं हो पाते। ऐसी कौन सी लाचारगी है जो आप समझ रहे हैं केजरीवाल जैसे, अब अर्नब गोस्वामी जैसे संपादकों को, क्योंकि अर्नब गोस्वामी जैसे संपादक यदि कमजोर पड़ जाएंगे तो जो उम्मीद लोग बांधे हुए हैं वो उम्मीद टूटती नजर आएगी। थोड़ा सा पहले इस पे बताइए, फिर हम प्रभाष जोशी वाली किस्सा आपसे सुनना चाहेंगे सर। अर्नब को बाद में आऊंगा मनीष जी, मगर जो केजरीवाल के भी आपसे बात कही, इस आदमी ने किस तरह से गुलाम बना लिया है अपने मीडिया को, इसका बड़ा एक शर्मनाक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। अभी तो नहीं, साल भर पहले का दे रहा हूँ। यही कोरोना काल था, नया नया शुरू हुआ था और दिल्ली में लंगर चलने लगे थे। इस आदमी ने आके टीवी पर आके इसने कहना शुरू किया कि मेरी सरकार 250 जगह पे लंगर चला रही है। जब इससे पूछा जा रहा था तो कहीं इतना जगह नहीं बता रहा था कि कहाँ चल रहा है, लेकिन ये कहता था मेरी सरकार 250 जगह पे लंगर चला रही है। ऐसे में 30 मार्च 2020, जरा ध्यान दीजिए, उस समय दिल्ली में एक सबसे बड़ी रसोई चल रही थी, झंडे वाला में माता मंदिर है, बड़ा मशहूर है वो, और वो बिल्कुल सर, मंदिर प्रबंधन और आरएसएस की एक सहयोगी संगठन है सेवा भारती, ये दोनों संयुक्त रूप से रसोई को चला रहे थे और 30,000 आदमियों का भोजन सवेरे और 30,000 आदमियों का भोजन शाम को वहां बन रहा था। बहुत विशाल लंगर था वो। बिल्कुल बिल्कुल वहां पे आज तक का रिपोर्टर पहुंचता है, वहां खड़ा होता है रसोई में और वहां से वो लाइव करता है और वो ये कहता है कि देखिए, ये दिल्ली सरकार द्वारा चलाया जा रहा लंगर, दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जा रही रसोई, जहां से 30,000 आदमियों को भोजन कराया जा रहा है।
मनीष जी आपका भी 2-2.5 दशक का अनुभव, पत्रकारिता का मेरा भी थोड़ा बहुत है, एक बात बताइए, जब कोई रिपोर्टर कहीं जाता है तो क्या उसको ये नहीं मालूम होता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? और जब उस जगह वो पहुंच जाता है तो लोगों से बात करता है, ऐसा तो है नहीं कि रास्ता चलते एकदम से लाइव करने लगता है, वो लोगों से बात करता है कि तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो इतना सब जब करता तब वो कोई खबर देता है। तो आज तक ऐसे चैनल का रिपोर्टर जो रसोई मंदिर प्रबंधन और सेवा भारती द्वारा चलाई जा रही थी उस रसोई के बीच में खड़े होके ये लाइव करता है, ये देखिए ये दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जा रही, तो ये सरासर धोखाधड़ी 400 की जालसाजी, आपराधिक जालसाजी थी। यानी जो केजरीवाल लगातार झूठ बोल रहा था कि मैं पूरी दिल्ली में रसोई चला रहा हूँ, लंगर चला रहा हूँ, उस झूठ को सत्य का जामा पहनाने का प्रयास था एक चैनल द्वारा। अगर कोई आम आदमी पार्टी का किसी सोशल मीडिया पे इस तरह का लाइव कर रहा होगा तो माना जा सकता है पार्टी उसके लिए कर रही होगी, लेकिन आज तक का चैनल और जो बहुत उनकी बड़ी सुपरस्टार एंकर है अंजना ओम कच्छप, वो बैठी हुई स्टूडियो पे, वो उसको महिमा मंडन कर रही, गुणगान कर रही, और इस पर कोई माफी नहीं मांगी गई, इस पर कोई सफाई नहीं दी गई। तो क्या ये जो जो कहता है हम देश का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है, सबसे बड़ी हमारी एजेंसी है, वो बताएगा ये कि एक निजी संस्था द्वारा चलाया जा रहा है लंगर को दिल्ली सरकार द्वारा चलाया जा रहा लंगर क्यों बता रहा था? तो कोई तो कारण रहा होगा ना, और सिर्फ पैसे का लालच। इससे समझ में आता कि केजरीवाल ने खरीद लिया है और उसके लिए किसी भी हद तक गिर जाने को ये लोग तैयार। ये स्थिति आज पैदा कर दीजिए, आप लोग होते कि मीडिया किसी को फेवर में होती किसी के नहीं होती है, लेकिन इस तरह से जाके बेईमानी पे उतारू हो जाए तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश कर लीजिए, षड्यंत्र कर लीजिए या पत्रकारिता के पतन की पराकाष्ठा कर लीजिए, लेकिन ये खतरनाक है देश के लिए, समाज के लिए। और आपने जो अर्णव गोस्वामी वाली बात की, देखिए अर्णव गोस्वामी को मैं लोगों से थोड़ा सा अलग रख चुका, ये सत्य के इस समय सवाल अर्णव गोस्वामी को पूछने चाहिए जो वो नहीं पूछ रहे हैं, खासकर केजरीवाल से, लेकिन इसके अलावा अन्य व्यवस्थाओं पे तो वो आदमी कम से कम सवाल पूछ रहा है। ये लोग तो बिल्कुल मौन साध है, ये उल्टी बात कर रहे हैं। जैसे अगर ये कोरोना काल के दौरान, क्योंकि मैं अर्णव के अंग्रेजी वाला कार्यक्रम देखता हूँ, हिंदी वाले नहीं देखता हूँ, अंग्रेजी की उसकी जो डिबेट देखता हूँ तो उसमें वो आदमी दोनों दोनों तरह की खबरें दे रहा है। वो अगर वो जो हाहाकार मचा वो दिखा रहा है तो वो उसके कुछ सकारात्मक पहलू भी दिखा रहा है कि हाँ ये चीजें ठीक है, या जो लोग गलत सवाल उठा रहे हैं उनको भी वो सवाल कर रहा है। लेकिन हाँ ये सत्य है कि केजरीवाल पे सवाल उठाने से अर्णव गोस्वामी भी बच रहे हैं, जो उनको नहीं बचना चाहिए, क्योंकि जो गंदा इस समय, मतलब मैं क्या कहूँ उसके लिए, क्या शब्द का प्रयोग करूँ, उस माहौल में अर्णव गोस्वामी जैसे लोग एक आखिरी उम्मीद है पत्रकारिता के लिए, और अगर ये भी बिक गए तो फिर कोई जल्दी सुधार की गुंजाइश मुझे नजर नहीं आती। बिल्कुल, आपने बहुत सटीक बात कही सर। मैं अर्णव गोस्वामी पर इसीलिए हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मैं अक्सर ये कहता हूं कि घर में जो बच्चे काजुल होते हैं, जो बिहार में और यूपी में काजुल, काम करने वाले होते हैं, माँ बाप उसी को कहता है काम करने के लिए। मैं अपने घर में काम बहुत नहीं करता हूं तो मुझे नहीं कहा जाता कि ये काम कर लो, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, मेरी अलग क्वालिटी है, मेरे भाई की अलग क्वालिटी होगी, तो उनसे कहा जाता है कई बार कि आप ये काम कर लीजिए, क्योंकि ये माँ बाप भी बेहतर पहचानता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात सर कि इस देश की जनता को अर्णव से उम्मीद है, इन मनी लॉन्ड्रिंग के एजेंडों से आज अभी उम्मीद नहीं है, राडिया टेप के दलालों से उम्मीद नहीं है, इन दलालों का चेहरा साफ हो चुका है, ये खलियर हो चुके हैं, सांप सपेरे, ये सनसनीबाज जो ये जो टिकैत की सभा में जाकर के वसूली करता है, जो जाकर के कोलकाता में सड़कों पे जाकर के, जिसने कभी रिपोर्टिंग नहीं की है, संपादक होने के बाद जो सड़क पे जाकर के ममता बनर्जी के लिए चिचोरी करता है, जो तेजस्वी के लिए करता है, उन सबसे आप उम्मीद नहीं कर सकते। अर्णव गोस्वामी से उम्मीद है, इसीलिए मेरे व्यूअर्स भी हताश हैं कि ऐसा क्या लाचारगी ऐसी होती है कि इसके कारण ये होता है। आपने बहुत अच्छा किया कि वो सुनाया वो लंगर वाली कहानी, जिसने एकदम से बेनकाब कर दिया। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप, हो सकता है कि ध्यान से आपका हट जा रहा होगा, ये निधि राजदान जो आपको, जो फर्जी तरीके से प्रोफेसर बनाई गई, प्रणय राय ने ऑन एयर कह दिया कि वेलकम ऑन बोर्ड प्रोफेसर राजदान, ये कहकर के जो फ्रॉडिज्म किया गया, और उस महिला को फर्जी प्रोफेसर बनाकर अमेरिका की रिपोर्टिंग भी कराई गई, वही महिला अरविंद केजरीवाल के साथ एक स्टेडियम में बैठता है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से
ये कहने की कोशिश करता है कि किस बात की, किस तरह से सरकार ने काम किया। बाद में पता चला कि जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं पार्षद का चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। तो ये सब खेल जानबूझ करके होता है। इसका मतलब है कि इस पत्रकारों को पता होता है कि जिन जिन लोगों से वो सवाल कर रहा है जनता के रूप में, दरअसल वो जनता नहीं है, कोई और है। तो ये अपने आप में एक अलग चीज है सर। ये एक समाचार है कि जो मूल विषय पे जिसलिए हम चर्चा करना चाहते हैं, कि व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, जरा सा वो कहानी आप बताइए कि आलोक तोमर जी के साथ जो आपकी मुलाकात एक होटल में हुई और आप दोनों एक ही अखबार के लिए काम कर रहे थे, आप उत्तर प्रदेश के ब्यूरो प्रमुख थे, आलोक तोमर जी दिल्ली ब्यूरो प्रमुख थे। मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को जो नहीं जानते हो, प्रिंट के लोगों को थोड़ा कम जानते हैं लोग, टीवी पे जो चेहरा दिखता है चिरकुटों के चेहरे को लोग ज्यादा पहचानते हैं और काफी लोगों को नहीं पहचान पाते हैं। इसीलिए सनसनीबाद जैसे छिछोड़े पत्रकारों को, जो ऐसी महिलाएं जो जो पूछती है कि जो ममता बनर्जी सुसु कब करती है, ऐसे सुसुबाज पत्रकारों को लोग ज्यादा जानते हैं। आप जैसे लोग, आलोक तोमर जैसे लोगों को लोग नहीं जानते हैं लोग, क्योंकि प्रिंट में रहने वाला चेहरा नहीं दिखता। तो मैं बता दूं आलोक तोमर एक कद्दावर पत्रकार रहे, कई सारे जो खबरें हैं उनके द्वारा ब्रेक किया गया, बहुत कम समय में काल कल्वित हो गए आलोक तोमर, आपके मित्र थे आलोक तोमर। जरा सा वो कहानी सुनाइए कि कैसे प्रभास जी ने अपने अखबार को एड को तिलांजलि देकर के आलोक तोमर की एक खबर को छापी थी, जिससे आज के संपादक कुछ सीख सकते हैं क्या? पहले तो मनीष जी बता दूं कि आलोक तोमर जी मेरे मित्र ने बड़े भाई की तरह थे, मुझसे बहुत वरिष्ठ थे और जालंधर के प्रकाशन समूह था उसके लिए हम लोग काम करते थे, उनकी पत्रिका थी। वो दिल्ली के ब्यूरो चीफ थे, मैं लखनऊ का ब्यूरो, यूपी का ब्यूरो चीफ था। तो हमारी बार ऐसे बातचीत होने लगी, तो आप लोगों को ध्यान होगा कि 90 के दशक में मारुति उद्योग के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जनसत्ता में, और वो रिपोर्ट इतनी विस्फोटक थी, कुछ वित्तीय करोड़ों की वित्तीय अनियमितता वहां चल रही थी, उसका तो आलोक जी ने ब्रेक किया था। 2-2.5 महीने उस पर काम करके उन्हीं की वो रिपोर्ट थी, पहले पन्ने पर छपी, और उसके बाद शीर्ष मैनेजमेंट था, टॉप मैनेजमेंट था, उसके कई लोग गिरफ्तार हुए, बहुत संसद में हल्ला मचा। तो मेरे दिमाग में थी, एक दिन हम लोग रात में बैठे हुए थे, तो ऐसे हमने कहा भाई साहब वो स्टोरी कैसे हुई थी, कुछ उनके अनुभव पूछने लगे। तो उन्होंने बहुत बेलाग कहा, सुना कल सतीश उस स्टोरी का पूरा श्रेय प्रभास जी को है, संपादक जी को। तो मैं चौका, मैंने कहा क्या मतलब आप ही के नाम से है, ऐसा बाइलाइन थी वो? कहने लगा नहीं, स्टोरी मैंने की थी, मैंने ही सारे तथ्य इकट्ठे किए थे। लेकिन स्टोरी करने के बाद जब मैं प्रभास जी के पास गया तो मैंने उनको पूरी अपनी रिपोर्ट दी, उन्होंने पढ़ा उसको, तो उन्होंने मुझसे केवल इतना पूछा कि तुम्हारे पास सारे तथ्य हैं इस स्टोरी से संबंधित? तो मैंने कहा पूरी फाइल थी, मेरे फाइल उनके सामने रखी, मैंने कहा सब कुछ है इसमें जो भी जिन दस्तावेजों का जिक्र है, लेकिन इसमें समस्या कुछ और है। तो आलोक जी से उन्होंने पूछा प्रभास जी ने कि क्या समस्या क्या है, इसके अलावा और क्या समस्या है? हेलो, हाँ बताइए बताइए बताइए। हाँ तो प्रभास जी ने आलोक जी से पूछा कि इसके अलावा समस्या क्या, अगर सारे दस्तावेज तुम्हारे पास है? तो आलोक जी कहने लगे, तब मैंने उनसे कहा कि सर इसके लिए बताइए, जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि मारुति हम लोगों को हर साल 3 करोड़ से ज्यादा का विज्ञापन देती है, 3 करोड़ रुपए का विज्ञापन जनसत्ता। हाँ आप समझ लीजिए 90 के दशक की बात है, आज के आप उसको अगर अनुमान किसी भी पैमाने से आप सोने के दाम से कर लीजिए, डॉलर के दाम से कर लीजिए, तो आज की तारीख में 30-35 करोड़ रुपए हुए ये 1 अरब जनसत्ता को मारुति विज्ञापन वो देती थी। तो आलोक जी ने अपनी शंका प्रकट की कि इतना बड़ा विज्ञापन दाता है तो उसके खिलाफ ये स्टोरी है कैसे छपेगी, मुझे ये शंका है, ये समस्या है। तो आलोक जी बोले, क्या प्रभास जी मुस्कुराए, उन्होंने मेरी स्टोरी ली, यानी ये समस्या तुम्हारी नहीं, ये समस्या मेरी है, तुम कल अखबार पढ़ना। और उसके बाद फिर सवेरे जब अखबार वो छपा पहले पन्ने पे आलोक जी की स्टोरी की, तो हमने उस दौर को देखा, ऐसा नहीं कि कोई बहुत पुरानी बात है कि प्रभास जी ऐसे लोग थे, प्रभास जी ऐसे लोग थे, आलोक तोमर ऐसे लोग थे जिनको ये मालूम था कि ये संस्थान हमको 3 करोड़ रुपए का विज्ञापन हर साल देता है, लेकिन उसके बावजूद वो 1-1.5 महीना उन्होंने पूरा अपना खर्च कर दिया और निकाल के वो खबर लाए, क्योंकि उनको विश्वास था कहीं कि संपादक हमारा इसको रोकेगा नहीं, या अखबार का मालिक इसको रोके, भाई गोयनका जी मालिक थे, गोयनका जी ने एक अलग इतिहास बनाया है बोफोर्स के मामले में, उन्होंने कहा कि मैं फुटपाथ पर बैठ के खबर अखबार अपना निकालूंगा लेकिन तुम्हारे खिलाफ लिखूंगा, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को चुनौती दी थी। तो हमने अभी अपना निकट इतिहास में देखा है, लेकिन इन इन लोगों ने उस सारी जो इतनी महान परंपरा पत्रकारिता की रही उसको इन्होंने बिल्कुल बाहर या कुचल दिया, रौंद दिया है, कैसे सुधार होगा ये देखिए।
बहुत देखिए, अब वही है कि आपने सतीश जी, आपने बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत कोई पुरानी बात सुनाई, ऐसा नहीं कि प्रभाष जोशी जी के दौर को हम लोगों ने नहीं देखा, आलोक तोमर जी को नहीं देखा। जब आलोक तोमर जी को एक केस में फंसे हुए थे, क्योंकि मैं कोर्ट का रिपोर्टर था तो रेगुलर मेरी उनसे बात होती थी कि मनीष कैसे इससे निवृत्त हो पाएंगे। एक मामला था उनका, अंतिम समय उनके जीवन के अंतिम समय का मामला है वो, क्योंकि मैं कोर्ट रिपोर्टर था तो वो इस तरह से कि जी रिपोर्टरों से बात करते थे। प्रभास जोशी, ऐसा नहीं है कि बहुत अतीत की बातें हुई हैं। जनसत्ता में जब मैं ट्रेनिंग करने जाता था, मास कॉम करके आया था, तो प्रभास जोशी जी उस समय संपादक हुआ अरे सब, ये सब निकट के लोग हैं, प्रभाष जी के भाई निकट। तो बहुत। ये चर्चा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि इतिहास की बातें कर रहे हैं कि अब धरती पर ऐसा नहीं। और प्रभास जोशी, आलोक तोमर जैसे लोगों के कारण पत्रकारिता की साख बची हुई है, लेकिन उनके जी चेलों ने क्या इतिहास रखा ये देख। अब इसी चीज से थोड़ा मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स ये बात समझ गए होंगे कि प्रभास आपको मनीष जोशी जी, जैसे। आपको एक मनीष जी का और आपको उदाहरण दूं, एक पत्रिका आती थी विचार मीमांसा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत क्रांतिकारी तेवर थे उसके। तो मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ कि मैं ब्यूरो चीफ था यूपी का, और ये अजीत सिंह जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान नेता हैं, इनके बिल्कुल विरुद्ध बिल्कुल मैंने एक स्टोरी की थी, कवर स्टोरी थी वो। और वो जैसे ही आई तो बवाल बचा, उसमें मेरठ में उसको आग लगाई गई, चार पांच मुकदमे हो गए, और वो विचार विमर्श एक बार बंद होने के बाद दोबारा शुरू हुई थी। सब अखबारों में निकला कि बहुत हुआ, धमकी धमकी आने लगी। तो मैं उस समय भोपाल में ही था, भोपाल से निकलती थी। तो सवेरे हम लोग ब्रेकफास्ट में बैठे वाजपेयी जी के साथ, तो उनके एक पार्टनर थे जो उस मैगजीन को निकालने में, वाजपेयी जी तो मालिक के अखबार का संपादक थे, ये भी थोड़ा बता दीजिए हाँ, ताकि हाँ वो व्यूवर्स को। विचार मीमांसा के मालिक ही थे, संपादक भी थे वो उन्हीं की पत्रिका थी वो। तो उनके जो पार्टनर थे, उनके जो पार्टनर थे, उनसे वो बोले, कहना कि यार ऐसा है कि सतीश की सैलरी आज 5,000 रुपये बढ़ा दो। तो ये मैं बताऊं मनीष जी, मैं अपेक्षा नहीं कर रहा था। हाँ। वो जो पार्टनर, वो भी चौंके, कहने क्या हुआ। तो उन्होंने जागरण में का, उन्होंने ऑनलाइन वो जागरण दिखाया पेपर, कि देखो ये जो है ये केस हुआ है और जलाई लाई गई है मस्जिद, तो हमको ऐसा ही आदमी चाहिए जो हिलाए, और इसको इसका पुरस्कार ये कि इसकी इसकी सैलरी बढ़ा दो। तो ऐसे संपादक भी हम लोगों ने देखे हैं, समझौता नहीं करते, लेकिन तब तो छाप ये हाँ विचार मीमांसा लोग जो जानते थे, वो आपने कहानी आज बताई भी कि कैसे उन्होंने छापा कि बंदर के हाथ में भी, हाँ और उस पे बुरा बवाल मच गया था लालू यादव के लिए जब लिखा गया। जब ये लिखा हाँ गया, राष्ट्रपति महोदय आपके पुत्र बेलगाम क्यों है, मुझे याद है हम लोग उस समय ग्रेजुएशन कर रहे थे, और कायदे से लगता है कि शायद पत्रकार बनने के लिए जो एक जोश दोबारा से बढ़ा मेरे जैसे लोगों में, वो विचार मीमांसा मैगजीन की उस समय की बड़ी भूमिका थी। तो ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं हुई। एक मेरे मित्र एक कहानी सुना रहे थे, इनफैक्ट बहुत दूर की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं तारीफ कर रहा हूं, लेकिन हाल के एक संपादक के लिए कि उसने, एक रिपोर्टर ने, मेरे साथी ने कल ही परसों उसने बताया, संदीप देव बता रहे थे कि उसने खबर छापी तो लालू यादव ने संपादक को फोन कर दिया और ऑनलाइन ऑन एयर उसने कहानी बताई, तो संपादक ने कह दिया कि यदि किसी खबर पे सीधे रेल मंत्री यदि फोन कर दे, इसका मतलब है कि अखबार, नया अखबार ठीक जा रहा है। तो ठीक जा कुछ रहा लोग हैं कि हिम्मत कर पा रहे हैं, चीजें हो रही है, लेकिन इस दौर में लोगों को परेशानी सतीश जी ये है कि लोग इस बात को लेकर के परेशान है कि केजरीवाल जैसा व्यक्तित्व, अब हम लोग जरा इस पे आते हैं कि एक आदमी जो बिल्कुल कुछ नहीं करता, जो सिर्फ झूठ बोलता है, जो आदमी वादा करता है कि हम 25-50 अस्पताल खोलेंगे, एक भी नहीं खोलता है, कोई बहाली नहीं होती। आपने अपने पोस्ट में ये आंकड़े दिए हैं, यदि आपको याद हो तो आप बताएंगे, वरना मेरे पास कुछ रिपोर्ट है कि आपने अपने फेसबुक पर पूरा डिटेल उसको लिखा हुआ था। उसके बाद जी ये देखिए कि ऑक्सीजन को लेकर के डामेबाजी करता है, प्रधानमंत्री के साथ बातचीत को, प्रोटोकॉल को तोड़ देता है, निर्लज्जता से चीजें सामने आती है, और कमाल की बात है कि तमाम टेलीविजन चैनल ये भूल जाता है कि ये प्रोटोकॉल है। केजरीवाल ने जो गलती की है, उस गलती को यदि संपादक भी दोहराने लगे, इस चीज को भूल करके के नहीं दिखाया जाना चाहिए। मान लीजिए कि आप ऐसे संपादक हो गए कि आपके देश के खिलाफ कुछ भी षड्यंत्र हो जाए, आप प्रधानमंत्री के साथ गुप्त, वो एक निजी बातचीत हो रही है, कम से कम इतनी नैतिकता तो संपादकों को होनी चाहिए था कि ये इसे ऑन एयर नहीं करते। नंबर 2, ये क्या इसकी संभावना नहीं है
कि केजरीवाल हर 5 मिनट पर ऐड देते हैं, उसके बाद देखिए एक तो ऐड देगा, दूसरी बात उसकी खबर आ जाएगी कि, और तीनों टोली एक साथ निकलता है, डिप्टी सीएम साथ निकलेगा, मतलब अपने दोनों चेले को साथ लेकर निकलेंगे वो, और उसके बाद विजुअलाइज होगा। इसका क्या असर होता है इस तरह के ऐड का, थोड़ा सा ये भी हम लोग समझें। नहीं, ऐड का तो मैं अभी कल या परसों जो आया दस्तावेज सामने, मैं देख के चौंक गया, क्योंकि आरटीआई से जानकारी ली गई थी तो उसमें आया था कि जो उसका पहला 5 साल का कार्यकाल था, उन 5 साल में इसने 519 करोड़ रुपए के विज्ञापन जारी किए थे 2015 से 2020 के बीच। लेकिन कल जो वो आया उसमें आया कि अकेले पिछले महीने मार्च एक महीने में इसने 92 करोड़ रुपए के विज्ञापन जारी किए हैं दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने, एक महीने का उसका हुआ है। और वो जनवरी फरवरी मार्च का जो बिल है वो 150 करोड़ रुपए का 3 महीने का। मेरे ख्याल से इतने ज्यादा तो केंद्र सरकार नहीं खर्चा कर रही जो इस देश की सरकार है, तो ये क्या है ये। और उसके बाद ये आदमी एक तरफ 150 करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है, और उसी के साथ भारतीय रेलवे के जो चेयरमैन है उनका एक आप देखेंगे मिल जाएगी आपको सोशल मीडिया पे, वो बाकायदे प्रेस से कह रहे हैं कि हम 3 दिन से बाकायदे अनुरोध कर रहे हैं, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमने केजरीवाल से कहा कि मेरी गाड़ियां तैयार है, रैक तैयार है, आप अपने टैंकर भेजिए तो हम आपको गैस भेजें। तो ये आदमी टैंकर नहीं भेज रहा है मनीष जी, 150 करोड़ में तो पता नहीं कितने क्रायोजेनिक टैंकर आ जाते दिल्ली को आज की तारीख में, 8-10 जरूरी, मेरे ख्याल से 25 लाख रुपए की कीमत होगी एक टैंकर की, 50 लाख रुपए होगी, तो अगर 10 खरीदता तो 5 करोड़ में तो 10 नए टैंकर इसके पास आ जाते। और दिल्ली ऐसी जगह है, बगल में फरीदाबाद ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया, नोएडा ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया, अगर ये केवल हाथ जोड़ के कहता तो इतनी जो औद्योगिक इकाइयां है वहां से इसको मिल जाते टैंकर। इसका मतलब इसकी मंशा नहीं है, इसकी मंशा है कि दिल्ली में तबाही मचे, और अपना इसका जो गाना है उसके लिए पैसा खर्चा कर रहा है। वो जो न्यूज चैनल है वो इसकी बात करेंगे, इसका क्या पक्ष वो दिखा, उन्होंने कसम खा ली है कि नहीं दिखाएंगे, वो इसी का गाना गाएंगे, उसका नाजायज लाभ ले रहा है, दुरुपयोग कर रहा है उसका, और उसका उसका जो कीमत है वो दिल्ली की निर्दोष जनता छुपा रही है। बिल्कुल यही कारण है कि देखिए कि मैं जब देखता हूं कि एक तो ऐड आता है, अब इस बात को कि सर ये समझने की हम लोग कोशिश करें कि जिस तरह से एक दिल्ली एक शहर है, कस्बा है, एक छोटा, दिल्ली की तुलना आप मुंबई से कर सकते हैं, कोलकाता से कर सकते हैं, महाराष्ट्र से नहीं कर सकते, बंगाल से नहीं कर सकते, लेकिन बजट देखिए आप, यदि जिस अनुपात में केजरीवाल का टेलीविजन पे केजरीवाल होते हैं, उस अनुपात में यदि देश के दूसरे राज्य के भी मुख्यमंत्री यदि ऐड आने लगे तो समाचार कहां चला जाएगा, फिर समाचारों का क्या होगा। नहीं, मुझको तो मनीष जी ऐड से भी आपत्ति नहीं, चलिए ठीक है आप करते हैं आप, लेकिन वो ऐड कम से कम सच तो हो, और इसके इसके विज्ञापनों ने तो न्यूज चैनलों को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये बताइए, अगर आपका न्यूज चैनल है और मैं पीतल लेके आपका ले जाऊं, मैं कहूं देखिए ये सोना है, तो आप वो चैनल वो दिखाने लगेंगे, या मैं दिन को रात कह के विज्ञापन लेके जाऊं तो आप दिन को रात कहने लगेंगे। एक इसका जो मैं अभी आप आंकड़े वाली बात कर रहे थे, मैंने पहले भी बताया कि ये एक इसका विज्ञापन चलता था पिछले 5-6 महीने लगातार चला, मैंने जो है फ्लाई ओवर बनाने में 500 करोड़ रुपए बचाए, जबकि असलियत यह है मनीष जी कि उनमें से 5 में से 4 तो फ्लाई ओवर ऐसे थे जो शीला दीक्षित के कार्यकाल में बने थे, और उनमें भी और आप जो है किसी प्रोजेक्ट में पैसे बचे या ज्यादा खर्च हुए या कम खर्च हुए, ये तो आप उसकी जो टेंडर हुई है उसी से तय करेंगे ना, जो उसकी टेंडर वैल्यू है, उन चारों की जो टेंडर वैल्यू है उस तक किसी में 20 करोड़ ज्यादा, किसी में 30 करोड़ ज्यादा, किसी में 40 करोड़ ज्यादा खर्चा हुए हैं। तो ये आदमी कह रहा है कि मैंने 500 करोड़ बचाए, और इस बात को 2016 में दिल्ली के सारे अखबारों में खबरें छपी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस को दिल्ली पर फुल पेज ऐड आया कि हमने इतना बचाया, और एक जिस शीला दीक्षित ना काम किया दिल्ली में, फ्लाईओवर का शहर बनाया शहर को, एक तरह से उसे करप्ट बता करके अपने आप को स्थापित कर दिया। और सही बात आप कह रहे हैं कि तमाम न्यूज चैनलों ने, सिर्फ अखबारों ने नहीं, न्यूज चैनलों ने भी इस ऐड को दिखाया। हाँ, जब अच्छा न्यूज चैनल इसलिए कटघरे में क्योंकि इसके झूठ को लेकर अजय माकन ने बकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, महाबल मिश्रा ने प्रदर्शन किया, सारे कागज बांटे, तो जब आपके संज्ञान में ये चीज है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, उसके बाद आप पैसे की लालच में दिखाएंगे, तो इसका मतलब तो आपको अगर पैसा दे दिया जाए तो आप जो मन में वो करेंगे।
नैतिकता है उसको तो आपने किनारे कर दिया। बिल्कुल, इसीलिए हमने ये मूल मुद्दा उठाया था कि आपको आप उम्मीद मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों से नहीं चल कर सकते, आप राडिया टेप के दलालों से नहीं उम्मीद कर सकते, आप वो जो सड़क छाप हो चुके पत्रकारों से उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि वो बड़े बड़े यूट्यूब चला रहे, उम्मीद आप उसी से कर सकते हैं जिसपे आप नैतिक होने का उम्मीद हो। तो अर्णब गोस्वामी जैसे लोगों से एक उम्मीद आज भी है, उम्मीद उनसे इसीलिए है, किसी अदालत लगाने वाले संपादकों से भी उम्मीद नहीं है कि वो भले ही अपने आप को राष्ट्रवादी कहें, उन लोगों से उम्मीद नहीं है क्योंकि उनके नैतिक चरित्र को देश देख चुका हुआ है। अभी भी उम्मीद टेलीविजन चैनलों पर लोगों को अर्णब गोस्वामी से है, जिससे उम्मीद होती है उसी से कहा जाता है। इसीलिए व्यूअर्स, मुझे लगता है कि यदि अर्णब तक ये आवाज पहुंचे तो उन्हें कम से कम एक बगावत करनी चाहिए कि हम ये झूठा एड नहीं दिखाएंगे जो बगावत एक समय में प्रभास जोशी ने की थी, जो आपको जो आपने एक बेहतरीन कहानी बताई। मुझे लगता है कि ये चीजें इसीलिए बार बार बताने की जरूरत है कि आखिर पत्रकारिता में प्रभास जोशी जैसे लोग आदर्श क्यों हैं और आज भी प्रभास जोशी की कस्में क्यों खाई जाती है, प्रभास जोशी के बाद दूसरा कोई क्यों नहीं हो पाया जिसकी कस्में खाई जा सके। अब प्रभास जोशी जैसा दूसरा तो छोड़िए, मतलब उसके विपरीत। अभी मैंने जो आपको शुरुआत में जो पूछता सुनाया, क्या तो ये जो वो लंगर वाला, तो इसमें क्या आप समझ रहे हैं कि संपादक और मालिक सब मिले हुए नहीं थे? एक रिपोर्टर कितनी औकात की नहीं हो सकती, हैसियत नहीं है कि वो इस तरह से लोगों की आंखों में धूल झोंके। ये उसको इंस्ट्रक्शन रहा होगा, कुछ ऊपर से रहा होगा कि तुमको वहां जाके ये करना हो, क्योंकि इसके झूठ को हमें सच बनाना है। अब तो उल्टी गंगा बह रही। और सबसे ज्यादा आप ये केजरीवाल वाला प्रकरण छोड़ दीजिए, हम कहाँ आ गए हैं मनीष जी। आपको कुलभूषण जाधव वाला केस हुआ था, पाकिस्तान हिंदुस्तान के दो पत्रकारों की रिपोर्ट लेके पहुंचा था इंटरनेशनल कोर्ट, और पूरी तहकी साहब ये आदमी भारत का जासूस है, करण थापा जो लुटे नहीं। अब तो खैर जनसत्ता वो प्रभाष जोशी वाला वही नहीं दिया, अब आज का जनसत्ता तो चेंज हो गया। तो करण थापर, प्रवीण स्वामी, चंदन नंदी और ये इंडियन एक्सप्रेस, फ्रंटलाइन, प्रिंट जैसी वेबसाइट, इन जगह पे छपा कि भारत सरकार झूठ बोल रही है, पाकिस्तान सच बोल रहा है, और ये लोग आज इस देश में रह रहे हैं। ये लोग इस देश में और ये लोग आजादी की बात करने लगते हैं, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नंगा नाच है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे लिए उसी तरह जरूरी जैसे किसी जैसे लोगों के किसी व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन ये इन्होंने उसको ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे ये देश का गला घोंट रहे हैं, देश की आवाज नहीं को देश का गला घोंट रहे हैं। तो ये उसी के जी पिछले कुछ दिनों तक ये था कि सोशल मीडिया, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग सामने नहीं थे कि फेसबुक पे लिखेंगे, यूट्यूब पे इसका डिस्कशन होगा, तो उस समय ये था कि ये लोग किसी सज्जन कुमार का खा करके उसका गाते थे, एक हत्यारा था सज्जन कुमार जिसने इतना नरसंहार करवाया, वो आदमी सांसद बन गया और वो पार्लियामेंट में होता था और संपादक उसका भोज खाते थे साल में एक बार, आप सबको पता होगा। और इस तरह के लोग जो है पत्रकारों संपादकों के घर पे ट्रक से जो है महीना का पूरा पैकेज पहुंचाते थे, अब तो कम से कम वो दौर नहीं रहा। अब यदि इस तरह के लोग, क्योंकि उनके बारे में कोई उस समय लिखने का कोई मंच नहीं था, कोई भी पत्रकार अपने संपादक के खिलाफ नहीं लिख सकता था, आज से 4 साल पहले मैं भी नहीं लिख सकता था क्योंकि कोई ऐसा मंच था नहीं। आज तो इनके खिलाफ लिखा जा रहा है कि कैसे किसानों के साथ दलाली कर रहा है, कोई यूट्यूब चला रहा है, कोई ममता बनर्जी के पास जाकर के वहां बंगाल में पत्रकारिता करने के रोड पे लोट लोट करके पत्रकारिता कर रहा है, कोई तेजस्वी को जीता, तो अब लोग लिखते हैं ऐसा, इन चिरकुटों के बारे में लिखा जाता है। तो क्या फिर भी ये लोग डरते नहीं आज के इस दौर से कि ये यदि केजरीवाल के खिलाफ के पक्ष में भी झूठ लिखेंगे तो बेनकाब हो जाएंगे? इन इन निर्लज्जता का कोई मतलब, कोई पैमाना नहीं है लोगों का आज भी? नहीं 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 मनीष जी, ये आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। ये बड़ा सकारात्मक और बड़ा उज्ज्वल पक्ष है आज वर्तमान दौर का। सोशल मीडिया ने इनकी नाक में दम कर दिया है, जो एयर कंडीशन कमरों में बैठ के जिनको ये गुमान था कि हम ये देश चलाते हैं, इस देश की सरकार चलाते हैं, वो आज आपको कलकत्ते की सड़कों पर माइक कैमरा लिए घूम रहे हैं। ममता बनर्जी कनस्तर के ऊपर बैठ के स्टूल पर बैठ के, ममता बनर्जी में कह रहा हूँ, बरखा दत्त राडिया टेप कांड में जो कुख्यात हुई थी, ये सड़क पे बैठ के, ढाबे पे बैठ के खबरें लिख रही हैं।
मरघटिया में बैठ इनको करके, औकात पे तो ला मरघट दिया को सोशल मीडिया तस्लीम ने, और अभी किया, सोशल मीडिया तो घुटनों पे चल शमशान रहा घाट है। में बैठ सिंगा और नाच हाँ भाई रहे भाई, हैं। मैंने शमशान शमशान में मैंने मैंने एक बार लिखा था कि अभी इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि जिस तरह से देव कन्या का जन्म हुआ था, कंस का वध हुआ था, वैसे इंटरनेट ये सोशल मीडिया देव कन्या की तरह जन्मी है और अभी तो शुरुआत है, ये इनका सफाया कर देगी। कहाँ तक लोग ये बोलेंगे? आज आपको पास आवाज है ना, मेरे पास आवाज है ना, और हम इनकी धज्जियां बिल्कुल, उड़ाते हैं। हमारे आपके पास एक 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 1000 शेयर हो रहे हैं। मैंने देखा कि आपके जी फेसबुक पे पोस्ट 500, 600, 700 शेयर हो जा रहे हैं आसानी से। तो अब आम आदमी को आवाज मिल गई है, पहले आम आदमी के पास आवाज नहीं थी, तो ये जो चाहते बिल्कुल थे वो करते थे, लेकिन तो अब इनके लिए वो करना असंभव हो चुका, और इसीलिए धीरे धीरे अब प्रासंगिक होते चले जा रहे हैं। अभी इनके कुछ, और बुरे दिन आने। कभी कुछ व्यूअर्स पूछ रहे हैं, योगेश शर्मा पूछ रहे हैं, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह के एडवर्टाइजमेंट पे, झूठ के एडवर्टाइजमेंट पे रोक नहीं लगा सकती है क्या? नहीं, ये तो कोई भी किसी भी राज्य सरकार का अपना अधिकार है, केंद्र सरकार नहीं लगा सकती। हाँ, इस पे एक काम हो सकता है, अगर कोई दिल्ली का कोई नागरिक कोर्ट में जाके अगर कर दे तो इस आदमी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि तो ये 420 है, कोई ये अनजाने की गलती नहीं, जिसके सारे दस्तावेज मौजूद हैं कि आपके इतना पैसा किसी का इतना पैसा खर्च हुआ, ज्यादा खर्च हुआ, और उसका ये झूठ बोल के जब ये कर रहा है, तो इस पर दिल्ली का कोई नागरिक जो वहां का है वो जाके कोर्ट में निश्चित तौर पर इसके खिलाफ मुकदमा कर सकता है, इसके खिलाफ FIR हो सकती है कि ये आदमी जालसाजी करके इसने सरकारी राशि का दुरुपयोग कर रहा है। और इसमें दोनों चीजों में मनीष जी, सड़क वाले में जो है उसके अलावा जो स्कूलों वाला ये चला रहा है, हाँ, जरा स्कूलों उसके वाला भी भी स्कूल वाला बताइए एक बार। स्कूल वाला भी सरासर झूठ है, क्योंकि ये RTI से ये इसी की सरकार द्वारा जो आंकड़े दिए गए उससे पता लगता है कि 2015-16 में कक्षा 8 जितने लड़कों ने पास की थी, उनमें से 2019-20 में 4 साल बाद उन लड़कों को कक्षा 12 में पहुंचना चाहिए था, लेकिन उनमें से केवल 28 लड़के पहुंचे थे, 72 लड़के फेल हो गए, मतलब 72% लड़के कक्षा 8 से 12 पहुंचते पहुंचते फेल हो गए। उसमें आंकड़ा है कि 47% 9वीं में फेल हुए, 38% 10वीं में फेल हुए, 11वीं कक्षा में जाके 20% फेल हुए, अंततः जाके बचे 12 कक्षा 12 में जाके बचे 28, तो उनमें से 98% का रिजल्ट। और आपको ताजुब होगा कि जिन शीला दीक्षित को इतनी गाली देता है, वो कहता मैंने बड़े क्रांतिकारी को कर दिए परिवर्तन दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में, शीला जी का भी जो रिकॉर्ड है वो 2011 से 2015, 5 साल का जो औसत आया है कि कक्षा 10 में उनके यहाँ जो पासिंग एवरेज था वो 98.5% था, बस वो इसकी तरह नगाड़ा नहीं बजाती थी। और इसके दौर में जो है 2019 तक का जो 4 साल का एवरेज आया वो 80% है कक्षा 10 में पासिंग का, ये 80% लड़के पास हुए, तो इसने तो और उसको खराब कर दिया। लेकिन ये टेलीविजन पर दिखा रहा कि विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास इसका मोहल्ला क्लिनिक को ले, असल में हमने कहा ना इसने खरीद लिया, न्यूज चैनलों ने कसम खा ली है कि इसके इससे कोई कठिन सवाल तो पूछेंगे नहीं, और अगर इससे कोई और सवाल पूछेगा तो हम उस पर पर्दा डालने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। आपको ताजुब होगा जिस दिन इसने प्रधानमंत्री जी ने इस पर टोका है लीक करने वाली, जब ये मीटिंग को लीक कर रहा था, तो रात में 9 बजे जी न्यूज पर सुधीर चौधरी ये बता रहे थे कि ये नई तरह की राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल, समय बदल गया है और राजनीति बदल गई है, तो ये नई तरह की राजनीति कर रहे हैं। वो एबीपी न्यूज पर अपनी रूपिका लिखा है लियाकत, वो बता रही थी कि ये प्रोटोकॉल जो है ये प्रोटोकॉल बड़े पुराने हैं, जब राजनीति बदल रही है समय बदल गया तो प्रोटोकॉल भी बदलने चाहिए। मतलब कुल मिला के इन सबका प्रयास ये था कि केजरीवाल ने जो कुकर्म किया है उसको हम किसी तरह से सुकर्म सिद्ध कर दें, तो ये इस तरह का इसको समर्थन मिलता है। बिल्कुल, मैंने जी देखा जिस तरह की चीजें हुई, मैं टेलीविजन चैनल देख रहा था, तो उस चैनल का जो रिपोर्टर है, साथी है अपना, फील्ड में हम लोग साथ काम करते रहे, वो बहुत अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल बता रहा था कि क्या है। और उस समय जो उसी चैनल की जो एंकर है, वो एंकर उससे को कट, या तो उसे अंदर से स्टूडियो से, जो टेलीविजन हम लोगों ने इतने दिन रहा, हो सकता है उसको स्टूडियो से MCR से निर्देश मिला होगा कि यही कट करो, ये जो बता रहा केजरीवाल के खिलाफ वो गलत है।
मेरे साथ एक साथी यूट्यूब पे आ रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि मनीष मुझे आप ये मत कहिएगा कि केजरीवाल पे कुछ बोलने के लिए, क्योंकि मेरे चैनल को भी केजरीवाल ऐड देता है। तो ये लाचारगी होती है। डॉक्टर चेतन कह रहे हैं कि इसके खिलाफ जो है केस कोर्ट में किसी वकील को जाना चाहिए। धीरे धीरे ये चीजें हाँ, आ जाएगी सामने कि झूठ के खिलाफ तो निश्चित रूप से जाना ही चाहिए। जाने नहीं है ये, बिल्कुल जाने का वो है, पूरी तरह से अधिकार है इनको। दिल्ली का नागरिक कोई जा सकता है उसमें? अरे न्यूज चैनल की पत्रकारिता आपको इससे थोड़ा अलग हट के बता रहा हूँ, रोचक भी है बहुत दुखद भी है। तो जी, उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का निधन हुआ था, मेरे ख्याल से हाँ 10-15 साल हो गए, काफी समय हो गया। तो उस समय संयोग से उनकी माता जी जिंदा थी, वो 99 साल वगैरह की थी, वो जीवित थी और कृष्णकांत जी का निधन हुआ। मैं टीवी देख रहा था तो जो स्टूडियो में जो एंकर बैठी थी वो वहां खड़ी रिपोर्टर को पूछ रही थी, वहां कैसा, वहां माहौल कैसा है। अरे बताइए, 70-75 वर्ष का एक व्यक्ति मरा है जिसकी माँ जीवित है, उस घर में माहौल कैसा होगा? क्या वहां नाच गाना हो रहा होगा या भाषण हो रहे होंगे? और सबसे खास बात है कि कृष्णकांत जी के आज से 15-20 साल पहले जो मृत्यु हुई थी, तब से लेके जब जेटली जी का देहांत हुआ है, तो फिर वही सवाल फिर एक चैनल के एंकर अपने रिपोर्टर से पूछ रही थी कि वहां माहौल कैसा है। अरे जिस आदमी का शव घर में पड़ा हुआ है, इतना प्रख्यात चर्चित व्यक्ति, वहां क्या माहौल हो सकता है सिवाय बिल्कुल दम के मातम के? इसके अलावा वहां क्या माहौल हो सकता है? आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं? तो ये तो इनकी स्थिति हो गई है। इसीलिए मैं, मेरे जैसे लोग, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ के आया इन सब के नंगइयों को दिखाने के लिए। आप जो कह रहे हैं ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि टेलीविजन का एक संपादक जिसकी कुल जमा उपलब्धि राजीव शुक्ला के पूंछ पकड़ के संपादक बनने की है, उसने मुझे कहा कि मनीष ठाकुर अखबार से टीवी में आए हो, प्रभास जोशी मत बनो, टीवी में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है। ये मेरे एक साथ कहा गया है। और वो न्यूज रूम में वो छिछोरा संपादक रेगुलर यही बात कहता था। आज स्थिति ये है कि किसी किसान आंदोलन में घूम करके, कहीं ममता बनर्जी के राज में जा करके, मतलब जिसने जीवन में रिपोर्टिंग नहीं की सीधे संपादक बना, कुछ शुरुआत में किया होगा, छिछोरापनी की रिपोर्टिंग अलग बात है, वैसे वैसे लोग यदि संपादक बन जाएंगे तो वो वैसे ही महिलाओं को रिपोर्टर रखेंगे जो पूछेगी कि किसी के मौत पे के माहौल क्या है। तो इन लोगों ने जो संपादक जो छिछोरे उचक्के जो 2000 के आसपास जब टेलीविजन आया, ऐसे ही सड़क छाप जो कॉलेज में छिछोरे थे वो सब संपादक बन गए, इन्होंने चिरकुटों को ला करके रख दिया। तो आप यही उम्मीद करेंगे उन सबसे? ये तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मुझे न्यूज रूम में उसने कहा कि प्रभास जोशी मत बनो, टीवी में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है। तो अरे समझिए कि मैं आप अजीत अजीत की बात कर रहे कुट हैं। की बात कर रहा हूं। हाँ, उसी की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे, अब देखिए ऐसे लोग क्या है, आज वो आलोक मेहता के लिए लिखता है, कभी अमीश देवगन के लिए कहता है, ये गिरेबान में नहीं झांकता कि तुम्हारी कुल जमा उपलब्धि क्या है। मगर दुर्भाग्य रहा कि ऐसे लोग संपादक बने तो अपने ही लेवल के लोगों को इन्होंने रखा। आज इसीलिए टीवी की मजबूरी है कि कोई असल में मनीष जी, इसके दोषी कुछ हम लोग भी हैं जो अभी आपको दर्शक जुड़े हुए होंगे देखेंगे इसको, उनको भी अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा। जैसे आपको एक टीवी पे प्रोग्राम आता है, आप गौर करिए, वो भैया जी कहीं, मैं 5 मिनट से ज्यादा उसको नहीं देख पाता। वो मुझको अपना बचपना याद आता है कि मदारी जमूरे को लेके आता था, और जमूरा लेट जाता था, मदारी उसके पेट पर चाकू मारता था, चादर डाल देता था, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो बिल्कुल जिस शैली में वो मदारी चिल्लाता था, बिल्कुल उसी शैली में वो वहां से चिल्लाते हैं जो भैया जी कहीं प्रोग्राम करते हैं, उसको लोग देखते हैं। ऐसा नहीं है, न्यूज चैनल में कुछ लोग मेरे बड़े पसंदीदा हैं, जैसे एक TV9 चैनल है, उसपे है राहुल सिन्हा, शायद आपने देखा होगा। पहले दोस्त है मेरा, मतलब राहुल मेरा कॉलेज का शुरुआती करियर का मित्र है, अच्छा रिपोर्टर है राहुल मैं उस सिन्हा। आदमी का, जो जी टीवी से गए, चलिए, जी अच्छा, टीवी हाँ से। राहुल, हम लोगों ने साथ साथ करियर की शुरुआत की थी, अरे वाह, मैं उस आदमी का प्रशंसक हूँ। वजह क्या है, जैसे बहुत अब अच्छा। नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे, पूरे हाँ न्यूज चैनल, पूरे देश के जो न्यूज चैनलों के संवाददाता थे, कोई सब्जी मंडी में घुसा जा रहा है, कोई रेस्टोरेंट, वीडियो कट करके मैं हाँ, राहुल को सुनाऊंगा। चलिए, कोई अच्छा सब्जी मंडी में घुसा जा रहा, कोई रेस्टोरेंट में घुसा जा रहा, कोई ट्रैफिक दिखा रहा। लेकिन राहुल सिन्हा को मैंने देखा, वो आदमी जो वहां की प्राइमरी एजुकेशन है, उसपे उस आदमी ने छोटा सा प्रोग्राम बनाया। वहां का ट्रैफिक सिस्टम कैसे संचालित होता, कैसे लोग वहां डिसिप्लिन में काम करते, तो वो कुछ नई चीजें थी जो इस देश के लिए काम की थी।
ऐसा नहीं अच्छे लोग है लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वो राहुल सिन्हा को हम आप जैसे लोग जानते हैं जिनकी पत्रकारिता में रुचि है, लेकिन जो पब्लिक है वो भैया जी कहीं के पीछे पड़ी हुई है, उनको तमाशा चाहिए, मदारी मदारी। आप ये गौर करिए, देखिए कितना संवेदनशील ये प्रोफेशन है पत्रकारिता, कितनी जिम्मेदारी। उसके जरा कार्यक्रमों के नाम देखिए, हल्ला बोल, दंगल, टक्कर, काल ठोक के, ये मतलब जो पत्रकारिता कहता है ये साबित करता है कि मेरा जो छिछोरा संपादक कहता था कि पत्रकारिता में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है, इसका मतलब उसके गुरु ने उसे यही सिखाया होगा, तभी तो उसने नहीं, मुझसे कहा। देखिए इस बात पर तो आप सहमत हो जाइए, सब प्रतिशत की अजीत अंजुम अगर ये कहते थे तो बिल्कुल ठीक कहता था वो आदमी। हम बता दे रहे हैं, आप इनके कार्यक्रमों के नाम देखिए, मतलब समाचार दिखाने वाला चैनल ताल ठोक के हल्ला बोल दंगल टक्कर। अरे कुछ दिनों में हमको तो लग रहा है कि ये रहो कि जो एंकर बैठता है, जो बहस कराता है, वो चाकू छुरा लेके बैठे साथ साथ में, स्टॉल रखे है, चाकू रखे, छुरा रखे, तलवार रखे, सब इनके बहस बात हो रही है। देखिए, गेस्ट के साथ जैसे बात करते हैं, जैसे गुंडे की तरह बात कर रहे हो, कुछ हाँ महिलाओं को हाँ देखेंगे कि वो गुंडे की तरह बात करते हैं, ऐसे लगता है कि गेस्ट को नोच देंगे। अरे यार, तुम सवाल करने के लिए आए हो, तो ये चीजें, इसीलिए मैं अपने व्यूवर्स से अक्सर कहता हूँ कि आप टीवी देखना बंद कर दीजिए। इस कोविड काल में ये भय बेच रहे हैं, ये आपके हाँ आतंक बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं सब चीजों को। और इसीलिए मैं अक्सर, मैंने तो एक छोटा वीडियो बना करके भी लोगों से कहा कि आप टीवी देखना बंद कर दीजिए। आपने नहीं, आप बहुत ये भाई जी बेच रहे हैं इसका तो आपने अच्छी जिक्र कर दिया। मैं जैसा लखनऊ की स्थिति बहुत खराब हो गई पिछले हफ्ते तक, जो है बहुत खराब थी, बिल्कुल बंबई और दिल्ली वाली स्थिति थी। ये संक्रमण आ रहा था, छोटा इनकी तुलना में बहुत छोटा शहर है, लेकिन पिछले 3 दिनों से स्थिति बदली है। जितने संक्रमित आ रहे हैं उससे 30-40% ज्यादा लोग ठीक होकर लौट रहे हैं, मतलब ग्राफ गिरना शुरू हुआ है। लेकिन ये पिछले 3 दिनों में आपने ये खबर कहीं नहीं देखी होगी, क्योंकि कहीं तो अगर वो ये दिखा देंगे तो फिर तुलना केजरीवाल से और उद्धव ठाकरे से होने लगेगी, उन पर डंडा चलने लगेगा। देखो कि योगी ने तो इतनी बुरी स्थिति काबू कर ली, अब वो धीरे धीरे नीचे ला रहा, तुम लोग क्या कर रहे हो। तो चूंकि तुलना होने लगेगी इसलिए योगी लखनऊ की इस स्थिति को बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया गया। आज जो मैं सवेरे देख रहा था, वो आज तक चैनल पर बैठी एंकर जो चीख रही थी बहुत खराब है, लोग भी लग रहा है। अरे लोग ये, आप किसी के घर में जब मृत्यु हो गई है तो जाहिर सी बात है उसके घर वाले तो रोएंगे ना, उनको तो गम है, उनको डॉक्टर से शिकायत होगी, उनको सिस्टम से शिकायत होगी। लेकिन उसमें 7-8 हजार लोग ऐसे भी तो हैं जो ठीक हो गए, वो तो धन्यवाद दे रहे हैं ना डॉक्टरों को। लेकिन आप वो दोनों चीजें नहीं दे, इसीलिए ये प्रयास हो हम जैसे लोग कर रहे हैं कि इनके इनको इनका चेहरा बेनकाब के देखिए कैसे ये लोग, जब अभी 1-1.5 महीना पहले तक ये कह रहे थे कि सबसे बेहतर स्थिति महाराष्ट्र की है, दिल्ली की और केरल की है, सबसे बदहाल स्थिति इन्हीं तीनों राज्य की थी, और ये झूठ बोल रहे थे। ये रवीश कुमार, जिसे मैं खैराती पांडे बोलता हूं, ये इसने लखनऊ को लाशनऊ लिखा, लखनऊ को लाशनऊ लिखा। मैंने इसका विश्लेषण किया तो समझ में आता है इन सबका षड्यंत्र क्या है। तो योगी बाबा ही हैं आजकल, वो तो FIR भी कराते हैं, पहले ये भी नहीं हो रहा था। तो इन सबको समझना चाहिए कि राजदीप क्या भुगत रहा है, वो पूरा गैंग क्या भुगत रहा है, जिसने 26 जनवरी के लिए फर्जीवाड़ा किया। तो टीवी तो चूंकि हरकत तो इन सब ने दिल्ली में किया, लेकिन न्यूज चैनल तो लखनऊ नोएडा में है, तो इसीलिए योगी बाबा ने कर दिया काम। आज के डेट में बहुत सारे जो खलियर हो चुके हैं वो योगी बाबा के कारण। एक धान वाला पत्रकार है, धरती पर धान गेहूं का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है, जानते हो। तो उसने संस्कृति वाला जो आपके शहर का मामला था, एक झूठी फर्जी स्टोरी उसने की थी, आपको याद है उसके बारे में? नहीं, वो जो बाहर हुआ मैं बता रहा हूँ, एबीपी न्यूज में था, ये लखनऊ का ही मामला था, लखनऊ का ही मामला था। और एक लड़की की हत्या हुई और इसने बलात्कार उसमें अपने मन से जोड़ दिया कि लड़की की बलात्कार के साथ हत्या हुई, और उसके बाद उसके लड़की के माता पिता ने बाकायदे उनको सूचित किया कि नहीं आप ये गलत खबर दिखा रहे हैं, उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ, उसकी हत्या हुई, अलग आपराधिक घटना है। लेकिन उसके बावजूद जब ये नहीं माने तो फिर उस लड़की के परिवारजनों ने इसके खिलाफ, इसके एबीपी न्यूज के मालिक के खिलाफ कोर्ट से जब नोटिस भिजवाया, तब जो है हलचल मची, हल्ला मचा। मालिकों ने इससे कहा कि भाई सबूत लाओ, जो तुम उसको बार बार बलात्कार कह रहे हो 3-4 दिन से, तो इसके पास था तो कुछ नहीं। तो फिर मालिकों ने इसको खदेड़ा, वहां से भगाया गया, तब ये निकाला गया अपने इन करतूतों से। और उसके बाद तो एक आज की तारीख में सबके पास एक बहाना आई है कि सामने मोदी विरोधी इसलिए निकाल दिया। बिल्कुल, तो एक बड़ा
एक सवाल पूछा जा रहा है, बड़ा लोगों के दिमाग में है सर, आप जरा सा अपने अनुभव से बताइए कि लोग कह रहे हैं कि ज्यादातर जो शमशानों की तस्वीर बेची जा रही है अमेरिका समय, और सवाल करने वाले भी न्यूयॉर्क से ही हैं, एनआरआई साथी हैं अपने, वो पूछे कह रहे हैं कि सिर्फ शमशानों की तस्वीरें क्यों दिखाई जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में कल छपा है शमशान की तस्वीर की, किस तरह से लाशें हिंदुस्तान में जल रही है, ये क्यों दिखाया जा रहा है, इसके पीछे का क्या षड्यंत्र है? इसके पीछे षड्यंत्र बड़ा मनोवैज्ञानिक इसका वो है। देखिए, लाश जलती हुई आप दिखाते हैं ना स्क्रीन पे, तो वो ज्यादा भयावह लगती है। कब्रिस्तान में गाड़ते समय वो चीज आपको नहीं पैदा कर सकते स्क्रीन, कोई 10 सितारे अगर जल रही हैं आप कल्पना करिए, और वो स्क्रीन पर अगर आप दिखा रहे विजुअल माध्यम है, और जो अच्छा लगता है, जो भयावह लगता है, भय बेचना है, बहुत सटीक, बहुत अच्छी जानकारी। जी जी, तो ये और उसको वो जलती हुई लाशें बिल्कुल हॉरर फिल्म के किसी म्यूजिक को बैकग्राउंड के साथ जब आप दिखाते हैं, वो कब्रिस्तान में नहीं दिखा सकते। कब्रिस्तान में एक तो इनको जल्दी ज्यादा घुसने नहीं देंगे, ऐसा नहीं कब्रिस्तानों में, मतलब लखनऊ में कब्रिस्तानों में भी जगह कम पड़ी है, यहाँ भी बहुत भीड़ हुई है, मतलब कम है कब्रिस्तान, मतलब आबादी उतनी नहीं है, लेकिन बहुत लोग मरे हैं, मुस्लिमों की भी मृत्यु हुई है कब्रिस्तानों में भी वो, लेकिन ये वहां गए नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना ये वो माहौल इनको नहीं मिलेगा, इनको वो माहौल नहीं मिलेगा डराने वाला। आपने इतना बढ़िया विश्लेषण किया है, क्योंकि कल से मेरे पास ये सवाल था, आज ये सवाल न्यूयॉर्क से पूछा जा रहा है, पधारो महारे न्यूयॉर्क करके हैं, तो ये पूछ रही हैं, ये मुझे लग रहा कि इससे बेहतर जवाब जो आपने दिया है उससे बेहतर नहीं हो सकता था, कि ये लोग कई लोग इसे धार्मिक भावना से जोड़ करके देख रहे हैं, मगर मुझे आपने एक जर्नलिस्ट के भाव से, एक टेलीविजन कहते हैं ना कि कई शब्द हजार शब्द के बराबर एक चित्र होता है, तो मुझे लग रहा है कि वही चीज है कि ये इसका मतलब है कि सर कि पूरा डर ही बेचा जा रहा है और कुछ नहीं है। ये पूरी तरह से धंधा जो है डर बेचने का है ना। एकदम चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे लग रहा है कि खास करके एक एक कट करके यदि चाहे लोग व्यूअर्स, तो आपके हर जानकारी को अलग अलग काट करके वो वायरल कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि षड्यंत्र और खेल क्या हो रहा है और इस सच को कैसे। मम्मी जी देखिए, सार्थक हम लोग का प्रयास सभी होगा कि जो आपके दर्शक है वो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बिल्कुल बिल्कुल, तभी प्रयास सार्थक होगा। मैं अपने व्यूअर्स से कहूंगा, सतीश चंद्र मिश्रा जी के सोशल मीडिया से आप जरूर जुड़े, आप उनको देखेंगे कि 6-6, 7-7, 100, 8-8 शेयर हो जाते हैं इनके पोस्ट, और इतना शेयर होना इसका मतलब है कि आपके पोस्ट को लोग कितनी गंभीरता से लेते हैं सोशल मीडिया पर। आप, मैं कहूंगा लोगों से कि जुड़े आपसे वो, और ये जरूरी है ऐसे लोगों से, और इसीलिए सर मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ी, एक बड़ा चैलेंज लिया इन चिरकुटों से मुक्ति का, और उनके खिलाफ बोलना शुरू किया जो मेरे बॉस हुआ करते थे। और आज एक अब एक बात आपने बहुत सटीक कही कि इन सब का क्या है, ये सब जो ऊपर बैठ करके जो बड़े बने हुए थे, आज जब मैं कई संपादकों के साथ जब उनको मैं बीबीसी में देखता था, सुनता था, बिहार में यूपी में ज्यादा लोग सुनते हैं, तो लगता था कि तुर्रम खा होंगे, जब उनके साथ काम करने का अवसर मिला तो लगा कि तो सरब छात्र। मेरा जो संपादक था सर, ये सनसनीवाद, वो कहता था कि हम लोग सब जब कॉलेज में लड़की छेड़ा करते थे तो कहा करते थे कि लड़कियों को छेड़ो नहीं और छेड़ो तो छोड़ो नहीं। अब समझिए, ऐसी मानसिकता वाला आदमी सब यदि संपादक बन गया तो साख के पेशे को इन लोगों ने क्या दिया होगा। इसीलिए एक मुहिम चलाए जाने की जरूरत है कि मैं कहूंगा कि आज के वीडियो का अलग अलग अंश जो है वो आप कट करें, अलग अलग अंश को कट करके आप चाहें तो उसे ज्यादा ज्यादा, क्योंकि कई बार होता है कि जब 40-50 मिनट का विश्लेषण होता है तो शेयर बहुत कम हो पाता है, इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि उसको कट करके आप इसका फायदा उठाएं। सर आपसे एक मुलाकात होते रहेगी, मैं चाहूंगा कि आपके अनुभवों का फायदा लगातार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार आपको, आपके दर्शकों को भी नमस्कार, बहुत धन्यवाद सर।